हिजाब के विरोध में भगवा का समर्थन करने वाले बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या के विरोध में आज नवी मुंबई में छत्रपति शिवाजी चौक पर आंदोलन किया गया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर निषेध प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष की हत्या ने हिंदुत्ववादी संगठनों का गुस्सा बढ़ा दिया है। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हर्ष की हत्या के विरोध में वाशी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर नारेबाजी करते हुए जमकर निषेध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने हत्या का निषेध करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हर्षा जी का जो कुछ जिहादियों ने मर्डर किया, उस मर्डर का निषेध करने के लिए और पुनः ऐसा कुछ काम ये लोग नहीं करना चाहिए। और हिंदू जो है आज जाग चुका है, संगठित है। आज हमारी पूरे देश भर में इसका विरोध करने का और उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और ये आज का जो निषेध का कार्यक्रम है, ये प्रशासन से मांग करते हैं कि जो 6 लोग उनको पकड़े गए उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। जो हिजाब का आंदोलन चला, हिजाब पहनने से 1947 के बाद हिंदुस्तान में कौन से हिंदू ने मना किया किसी को कि आपको हिजाब नहीं पहनना है। लेकिन स्कूल या कॉलेज ये हिजाब पहनने की जगह नहीं है, वो पढ़ाई करने की जगह है। मैंने अभी अपनी बात में भी कहा, अगर हिंदू ये सोच ले कि मुझे भी अपना धार्मिक वेश पहन के स्कूल कॉलेज जाना चाहिए तो फिर हम भाला तलवार और क्या नहीं लेके जा सकते। हमारे तो दिगंबर लोग भी हैं जिसको मानते हैं कि बिना वस्त्र के घूमना नागा बाबू है, तो क्या हम भी उनके जैसे हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।